गुड इवनिंग कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं गोल्डन पार्क से, जहां पर आज बंगाली मूवी पिकनिक की म्यूजिक लॉन्च जो है वो बस से थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुई है। जी हां, ये मूवी जो है ये हिंदी में भी रिलीज होने वाली है, जिस मूवी का नाम रखा गया है चलो पिकनिक मनाएं। और इस मूवी में नजर आने वाली है नन अदर देन मेरी खास दोस्त हैं और कोलकाता शहर में आई हुई हैं हमारी अपनी संभावना सेठ। संभावना, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू। हाउ आर यू? वेल, हम सब ठीक है और आपको देखकर मैं भी काफी खुश हो रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब आपके साथ मुलाकात हुई थी मुक्ति वर्ल्ड में आइटम सॉन्ग चल रहा था, दूसरा आइटम सॉन्ग में आप नजर आ रही हैं पिकनिक मूवी में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे को बहुत दुख है यार कि सिर्फ दूसरी मूवी है, ये 10वीं क्यों नहीं है, ये 50वीं क्यों नहीं है, ये कब होगा? क्योंकि मैं आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री और चाहती हूँ कि मैं आई शुड डू मोर एंड मोर बंगाली फिल्म, और इसलिए नहीं कि संभावना कोई है और वो यू नो उसको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री का पार्ट बनके मैं बहुत प्राउड फील करूंगी, बिकॉज जो जिस लेवल पे ये इंडस्ट्री आ चुकी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बॉलीवुड को टक्कर दे रही है इंडस्ट्री। जी, आपसे जानना चाहूंगे, जैसे कि आपके साथ ऑफियर बातें हो रही थी, थोड़ी देर में पेट पूजा होने वाली है, एक बंगाली ऑथेंटिक एक रेस्टोरेंट में आप जाने वाली, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? फूडी हैं आप? यू नो व्हाट, मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सबसे पूछ रही थी कि बॉस मैं इंटरव्यू तब दूंगी जब मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे बंगाली खाना कहाँ पे अच्छा मिलता है। मैं कंप्लीट फूडी हूँ और इस समय आई हूँ, जितना भी डाइट पे रहूँ लेकिन इस समय कोई डाइट नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोलकाता आओ और डाइट करो तो लानत है आप पे। मैं ढूंढ रही हूँ, इसके बाद आपसे आपका इंटरव्यू खत्म करूंगी। एंड मैं कहीं ना कहीं, मैंने सुना भोजोहारी मन्ना यहाँ पे बहुत फेमस है, तो और भी मैं ऑडियंस से चाहूंगी कि इनको बताएं कि और कौन कौन से रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं जहाँ पे बंगाली खाना संभावना को बहुत अच्छा मिल सकता है। सो वेटिंग फॉर ऑल द व्यूअर, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमें रिवर्ट करें। बिल्कुल, मैं ऑफ एयर आपको बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ आप जा सकती है। वैसे आपको बताना चाहूंगा कोलकाता शहर के बारे में, अगर आप कुछ बताएं कैसा लगता है ये शहर, आप आती रहती हैं? शहर के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं कि अपने आप, जब आप इंसान अच्छे होते हो ना तो वो शहर अपने आप खूबसूरत हो जाता है, अपने आप खूबसूरत लगने लग जाता है। और सबसे अच्छी जो मुझे यहाँ पे बात लगती है, मैं जब भी आई हूँ, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मैं आज भी जब पहले लैंड करी हूँ तो सबसे पहले मैं काली घाट गई थी और वहाँ पे मंदिर में दर्शन लेकर उसके बाद मैं होटल में पहुँची हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि कहते हैं कि यहाँ पे आपको आपका बुलावा हो तभी आप पहुँचते हो, आप खुद चाहो तो नहीं पहुँच सकते हो। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे काली माँ के दर्शन मिले हैं, और क्या दर्शन मिले हैं, बहुत अच्छे दर्शन मिले हैं। मैं उनकी पूजा कर पाई, मैं उनकी आरती कर पाई। जो जितना टाइम आप एक भक्त भगवान को दे सकता है उससे ज्यादा ही मुझे मिला है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। जी, संभावना, आपको बताना चाहूंगा शनिवार का दिन है और करीब 40 लाख लोग आपको इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। कल कोलकाता शहर में बंगाल में दोल सेलिब्रेट किया जाता है, होली के एक दिन पहले यहाँ पे होली खेली जाती है। होली लेकर अगर बातें करें, बचपन से लेकर अभी तक कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा और कितना कुछ चेंज हो गया? अच्छा, मैं बताऊँ, बचपन से लेकर आज तक होली मेरे लिए इतना स्पेशल रहा है कि होली आए और मैं रंग हो, गुब्बारे हो, कीचड़ हो, अब ये लोग बहुत हैरान होंगे कि लड़कियां बहुत रंग मांग और कीचड़ वीचड़ से भरते, हम किसी चीज की परवाह नहीं करते। अभी भी आज भी मैं परवाह नहीं करती हूँ। मैं, मुझे पता है, मैं आज कल तो मैं वापस चली जाऊंगी मुंबई, मुझे यहाँ पे होली खेलने का मौका नहीं मिलेगा, बट बॉस जितने भी लोग अगर चैनल से मुझे देखेंगे ना उनको पता लग जाएगा कि संभावना क्या बोल रही थी। मैं किसी चीज को नहीं छोड़ती, चाहे वो पक्के रंग हो, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो पानी हो, कहीं भी गिरी पड़ी सबको गिरा के और खुद गिर के वहीं पर पड़ी हुई मिलूंगी आपको। माय फेवरेट कलर इज पिंक। क्या बात है, जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी से जाते जाते क्या कहना चाहेंगी, होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगी? मैं सिर्फ लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि हाय, मैं हूँ संभावना सेठ एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली और एंजॉय ऑल द कलर्स और अपनी जिंदगी को उतना ही रंगीन बना के रखिए, प्यार बरसाइए, प्यार लीजिए और जितना हो सके पानी से इस समय दूर रहना, क्योंकि पानी की काफी कमी है। थैंक यू सो मच संभावना हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि आपसे ही बात करके मुझे उतनी खुशी होती है हमेशा, हर बार। हमारे साथ ही नन अदर देन एक्ट्रेस संभावना सेठ, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे इस वक्त बातें हो रही थी। मैं अनिमेश आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ गोल्डन पार्क से, जहाँ पर आज मूवी पिकनिक की म्यूजिक लॉन्च जो है बस थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।